बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि कोका कोला को एक बार इंडिया में बैन कर दिया गया था। जी हाँ गाइस, ठीक सुने, ये बात है साल 1977 की, जब इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला के सामने दो शर्तें रख दी। पहली, कोका कोला को अपनी इंडियन सब्सिडीज में से 40% का मालिकाना हक गवर्नमेंट को देना होगा, और दूसरा, उन्हें कोका कोला की रेसिपी इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होगी। हालांकि कोका कोला ने इंडियन गवर्नमेंट की पहली शर्त मान ली थी, लेकिन दूसरी शर्त बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था, और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था और उसकी सारी फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया गया था, जिसका सीधा फायदा इंडियन कंपनी पार्ले को हुआ। दरअसल पार्ले ने ये सब देखते हुए उसी साल अपनी थम्स अप, लिम्का, माजा जैसी ड्रिंक्स को लॉन्च कर दिया, लेकिन साल 1997 में कोका कोला